आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। पिछड़े हुए भाई मुस्लिम समाज की तरफ से सलाम पेश है। दो नदियां बह तो रही थी, कभी मिल नहीं पा रही थी। और शायद मिलने इसलिए नहीं दिया जा रहा था कि कहीं दो नदियों का संगम ना हो जाए और कुंभ का सारा भीड़ इन्हीं के गोद में ना आ जाए। मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाई आदरणीय जनाब राजरतन अंबेडकर साहब का कि उन्होंने मुझे गले से भी लगाया और अपने मंच पे भी बुलाया। मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की बात करूं, उन्हें तो मैंने नहीं देखा। बाबा साहब अंबेडकर जी को न देखने का जो गम है वो अपनी जगह है, लेकिन आज उनकी जनरेशन में उनकी औलाद को देखने की खुशी भी कोई कम नहीं है। हमें खुशी है कि आज जब उनकी औलाद, उनके बच्चे, उनके पुत्र, उनके संतान उनके उस विचारधारा को जिसमें दबे कुचले मजलूम लोगों के हक की आवाज बुलंद की जाती है, उस परिवार के सदस्य ने अगर मुझे बुलाया और आज मैं खड़ा हूं तो मेरे लिए कम गर्व की बात नहीं है। दोस्तों, दो ताकतों को आपस में कभी मिलने न दो। यही वो षड्यंत्रण और कॉन्स्पिरेसी है कि 3.5% लोगों ने 15% लोगों को माइनॉरिटी बना दिया है। मैं बहुत ज्यादा मैथ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि 15 ज्यादा होते हैं, 3.5 कम होते हैं। लेकिन ये हमारा देश ही है कि जहां की मैथमेटिक में 3.5% हमेशा ऊपर रहेगा, 15% और देश के मूल निवासी बहुजन समाज परिवार 80% को हमेशा नीचे रखा गया। मैं आपसे बहुत इमोशनल बातें नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि दो बिछड़े भाई बड़े दिनों के बाद मिले हैं, कुछ दुख की बात कर लें, कुछ प्यार की बातें कर लें। हां, मैं मुसलमान हूं। आप मुझे पहचानिए, मुझे देखिए, वो चश्मे उतार दीजिए जो मीडिया ने आपकी आंखों में लगाया है, वो अखबार हटा दीजिए, किताबों को बंद कर दीजिए। आपका भाई आया है आपके सामने। हां, मैं वही मुसलमान हूं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महाराष्ट्र में चुनाव हरा दिया जाता है तो बंगाल में बुलाकर हमने जिताया था, हम वही मुसलमान हैं। हम वही मुसलमान हैं। हां, मेरे बहुजन समाज परिवार के भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारा वही बिछड़ा हुआ भाई हूं कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में संविधान के दाता बाबा साहब अंबेडकर को नीचा दिखाया जा रहा था, हमने अपनी हथेलियों पे उन्हें खड़ा किया था। और आज भी मैं आपसे कहता हूं कि हम जिस धर्म के मानने वाले हैं उस धर्म का नाम इस्लाम है। और मेरे भाइयों और समाज और भारत के लोगों, याद रखना, इस्लाम में अल्लाह के बाद अगर किसी की कुछ चलती है और कोई महापुरुष है तो हमारे लिए हमारे मां बाप से भी ज्यादा, मुल्क और वतन से भी ज्यादा, दोस्त अहबाब और औलाद से भी ज्यादा अगर कोई है तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और जात।
उसी जात ने हमसे ये कहा है, किसी और ने कहा होता तो आगे पीछे हो जाता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये कहा है कि इंसानियत का जूठा पाक है, पवित्र है। इंसानियत मनुष्य मनुष्य का जूठा पवित्र है, मतलब इसका समझ लीजिए आप। मतलब यह है कि राज रतन भाई जिस गिलास में पानी पीकर आधा छोड़ देंगे, मैं उस पानी को इस मजमे में पीने को तैयार हूं। मैं पीने को तैयार इसलिए नहीं कि मुझे आपको खुश करना है, इसलिए पीने को तैयार हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही आदेश है। हम लोगों को खुश करने के लिए काम करने पर विश्वास नहीं रखते, यही वजह है कि बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है हमारा। क्यों? डबल गेम। जहां जाओ वैसी बात करो, जहां जाओ वैसे वस्त्र पहन लो, जहां जाओ वैसे ही नाटक शुरू कर दो। हम वैसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए कि याद रखना मेरे दोस्तों, हम एक खुदा के सिवा किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, और इंसानियत के नाम पर किसी पर जुल्म हो हम ये बर्दाश्त करने को भी तैयार नहीं। अगर दुनिया का एक एक इंच भी हमारे लिए आग लगा दी जाए तो भी हम जुल्म के सामने झुकने को तैयार नहीं। ये बता दूं मैं आपको, ये हमारी नेचर है। आप जानते हैं हमारा नेचर है ये कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। और ऐसा क्यों जानते हैं? ऐसा इसलिए कि हमारे रगों में हजरत टीपू सुल्तान का खून दौड़ रहा है, गोडसे का खून नहीं दौड़ रहा है। आपको अगर हमारे ऊपर विश्वास है, मैं आपको परीक्षा नहीं दूंगा, हमने परीक्षा दिया है, इतिहास गवाह है हमारे हकीकतों से। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप इस देश की मजलूम कौम है, आप पर जुल्म हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपको बचा सकता हूं, मगर ये कह सकता हूं कि आप पर आने वाले दो लाठी को वार अपने ऊपर सहने को तैयार हूं। मैं सहने को तैयार हूं। और जानते हैं ये क्यों तैयार हूं? आपको खुश करने के लिए नहीं, आपका और हमारा जन्म देने वाला एक मालिक है, उसे खुश करने के लिए, सिर्फ उसे खुश करने के लिए। बस हमारा तो कंसेप्ट ही है, हमारा तो विजन ही है कि हम जो भी करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं। हमें पावर, बादशाह, हमने इस देश में 800 साल तक हुकूमतें की है, हमसे कोई पावर की बात करेगा? हमने इस देश में 800 साल तक राज किया है, मगर 800 साल की राज में ना किसी की बिरयानी बंद की, ना किसी का खाना बंद किया, ना किसी का कबाब बंद किया, ना नाम बदले, ना वस्त्र बदले, नहीं किया। ये कुछ भूखे लोग आए हैं जो 70 साल में उलट पुलट हो रहे हैं। इन्होंने लूटमार शुरू कर दी है। आज मैं जानता हूं राजरतन भाई, मैं जानता हूं कि दुनिया में जहर से इतने लोग नहीं मरे हैं जितनी नफरतों से लोग मरे हैं। मैं इस भारत का निवासी हूं, मैं इसी देश में जन्म लिया हूं, और मेरी तो परवरिश ही हुई है बहुजन समाज परिवारों के बीच में ही हमारा घर है, हम तो बड़े हुए हैं ऐसे। हमारा तो इतिहास है, हमारे लोग जानते हैं बचपन से कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त एक पिछड़ी जात का वो लड़का था जिसे हमारी कौम भी सही से देख नहीं पाते थे। मैं ईद में उससे गले के बाद घर आया करता था। हम सब इंसान हैं, हम सब अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है। आइए हम दिलों को मिला लें। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत है, और मोहब्बत के पौधे जमीन पर नहीं इंसान के दिलों में उगाते हैं। हम आज आपको पूरी मोहब्बत के साथ आवाज देते हैं मेरे भाई, पूरी मोहब्बत के साथ। हमारा घर आपका घर है, हम जो पहनेंगे आपको पहनाएंगे, आप हमारे भाई हैं। और याद रखना
एक भाई भूखा रहे और दूसरा भाई आराम से रहे, हम खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? हम खुदा को मुंह दिखाने के लिए आपसे प्यार करना चाहते हैं, हम आपसे प्यार करना चाहते हैं, हम आपके भाई बनने को तैयार हैं, आपके बेटे बनने को तैयार हैं। नफरत के सौदागरों को जवाब दे दीजिए कि अब तुम्हारे वक्त खत्म हो चुके हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों कि एक सूरज को उगाने के लिए करोड़ों सितारों को डूबना पड़ता है, एक अंबेडकर जी को पैदा करने के लिए लाखों लोगों को बलिदान देनी पड़ेगी। हमारा समाज और हमारी समाज की माएं बांझ नहीं है, आज भी उनके गोद में पलने वाला बच्चा समय का और वक्त का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन सकता है। हम आप नफरतों को जरा दूर करें, हम एक प्लेट में खाना खाने को इसे जरूरी समझते हैं, एक प्लेट में। हम चाहते हैं कि नहीं एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, एक साथ तो सभी लोग खाना खाते हैं, वो तो होटलों में भी हम खाया करते हैं, जिससे जान पहचान नहीं उसके साथ भी बैठ के होटल के टेबल पे खाना खाते हैं। ये कमाल नहीं, अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो मैं दावत देता हूं आज के डिनर पे, राजरतन भाई हम और आप आज ही से क्यों नहीं काम शुरू करें, एक प्लेट में दोनों भाई खाना खाएंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया की मिजाइल फोटो आ जाएगी, अब तो वो भी आ जाती है जो हमने कहा नहीं, वो भी आ जाती है, कमाल है ये। इस देश में उस छुपे हुए कछुओं को हमें पहचानना जरूरी है जो समय समय पर बाहर आके नफरतें फैलाते हैं, हमें और आपको दूर करते हैं। मैं आपसे कहूं हमारी मस्जिदें भी आपके लिए खुली हैं, हमारे मदरसे भी आपके लिए खुले हैं। इसलिए हमारे मदरसे आश्रम नहीं है कि जहां ताले लगे हुए हों, हमारे मदरसे खुली किताब है। आप जब आएंगे आपको मोहब्बत की तालीम दी जाएगी। मैं आज इस पूरे सभा से और पूरे मजमे से और भारत के सारे मुसलमान और बहुजन समाज परिवारों से, भाई बहनों से आज ये दिल खोल कर कहना चाहता हूं कि अंधेरे को इससे कोई मतलब नहीं कि चिराग मुसलमान के हाथ में है या चिराग राजरत्न अंबेडकर के हाथ में है। अंधेरे को अगर फर्क पड़ता है तो चिराग की रोशनी से फर्क पड़ता है। हम चिराग को जलाएंगे, हम चिराग को जलाएंगे। आइए आज से हम इस बात का अहद करें, आज से हम इस बात के प्रतिबंध हों कि हम इंसानों के दरमियान मोहब्बत और प्यार के वो फल तकसीम करेंगे जिसके बाद कोई बिछड़ा हुआ, गिरा हुआ, शोषित बहुजन समाज का एक भी आदमी मुसलमान के रहते हुए अपने आप को अकेला और वंचित अजनबी नहीं समझेगा। और ये बात मैं बंद कमरे में नहीं कह रहा हूं, और ये बात कोई बनावटी नहीं, मैं अपने मजहब पर आस्था और विश्वास रखते हुए ये मैं धार्मिक बातें आपसे कर रहा हूं, धार्मिक बातें कर रहा हूं। हमारे नबी, आप सबके नबी हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे थे, देखा कि एक पत्थर रखा है, आपने अपने हाथों से उस पत्थर को उठाया और किनारे कर दिया और अपने लोगों से कहा रास्तों से तकलीफ देने वाली चीजों को हटा दिया करो, दान करने का, पुण्य करने का नेकी मिलेगी। उसके बाद अरब के मुसलमान ऐसे चले कि जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज नहीं हुआ करती थी। अगर हम रास्तों से पत्थर हटा सकते हैं तो हत्यारों के हाथों से तलवारें भी छीन सकते हैं। आप भी मजलूम हैं, यानी आप पर भी अत्याचार हो रहा है और आप जानते हैं कि हम पे भी अत्याचार हो रहा है। आजकल हमारी मुस्लिम बहनों के एक नए भाई पैदा हो गए, नए भाई पैदा हो गए। वो कहते हैं मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, और कौन से? तलाक। कहा साहब भारत में तलाक बहुत हो रहे हैं। ऐसा लगता है ये मीडिया वाले भी बेचारे पता नहीं कौन सी गेहूं चक्की का आटा खाकर पैदा हुए हैं। एक शेर ने एक लड़की पे अटैक किया, एक मुसलमान ने उस लड़की को बचाया और शेर को मार दिया। मीडिया ने रिले किया कि एक इंसान ने एक लड़की को बचाने के लिए शेर से टकरा गया। जब उसको मालूम हुआ कि यह मुसलमान था तो उसने कहा कि एक मुसलमान ने एक लड़की से प्यार करते हुए शेर की हत्या कर दी। आप देखिए कैसे स्क्रिप्ट चेंज किए जाते हैं। तब क्या कह रहे हैं
एक मुसलमान ने एक निर्दोष शेर को मार दिया। कौन सा शेर? जो लड़की को प्यार कर रहा था। इस देश में एक हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा कि औरतों को, मुस्लिम नारियों को शक्ति मिलनी चाहिए, उनको अधिकार मिलनी चाहिए। भाइयों, पिंजड़े में बंद कबूतर को आजादी मिलनी चाहिए। मैं भी मानता हूं पिंजड़े में बंद कबूतर को आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर दरवाजा खोलने वाली बिल्ली है तो अंदर ही रहना बेहतर है। अगर दरवाजे पे बिल्ली खड़ी हो तो मेरे ख्याल से उस कबूतर को अंदर ही रहना बेहतर है। जिस बहन के भाई एक्सीडेंट में मरते हैं, उस बहन के बगल में ये भाई खड़े नहीं होते। पशु के गोश्त के नाम पर जिस मां के लाल की निर्मम हत्या की जाती है, उसके लिए ये भाई दो शब्द नहीं बोलता है। जिस बहन के पति को मारकर आग पेट्रोल लगाकर जिंदा जलाने की वीडियो बनाई जाती है, उस पर एक लफ्ज नहीं बोला जाता है। ये भाई जानते हैं कहां खड़े होते हैं? ये उन्हीं औरतों के बगल में खड़े होते हैं जहां इनको विश्वास होता है कि इनके पति के साथ कुछ खटपट चल रही है। खटपट चल रही है। सिर्फ तलाकशुदा औरतों के बगल में ये खड़े होने चाहते हैं। और इन्होंने ये मार्केटिंग की कि भारत में अगर सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम है तो वो तलाक प्रॉब्लम है। इस देश में 22 लाख तलाक पीड़िता बहनें हैं, 22 लाख, उनमें सिर्फ 2 लाख मुसलमान हैं, सिर्फ 2 लाख। आप बताइए 20 लाख का पता आपको कभी चला? किसी ने बताया वो कौन है? किसी ने नहीं बताया। और आइए, 3 तलाक पीड़िता भारत में सिर्फ 2900 हैं, सिर्फ 2900 3 तलाक पीड़िता। लेकिन ऐसी औरतों की तैदाद कितनी है जिनकी जिनके पति ने न तलाक दी न साथ रखा, जुदा जुदा छोड़ दिया, ऐसी बहनें भारत में 7 लाख हैं। 7 लाख। एक भारत में कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है कि हम और आप मूल विषय पे चर्चा न कर सके, बस इन्हीं चर्चों पे फंसे रहे। मैं आशा करता हूं और उम्मीद की किरण है हमारे लिए कि आज की ये सभा, और ये बॉम्बे की सभा है, और बॉम्बे में उठने वाली हर आवाज देश की आवाज बनती है। हमारी ये शक्ति और ये आवाज और ये हमारा एक हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, ये सब भारत के निर्माण के लिए और भारत की नई शक्ति के लिए इसका प्रयोग होगा, और वो सुबह हम देखेंगे जिस सुबह में। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।